नमस्कार, मैं हूं शशि। संध्या समाचार में आपका स्वागत है। आइए झारखंड के दिन भर की खबर जानते हैं। झारखंड सीएम हेमंत अपने ननिहाल पहुंचे, सोहराई में होंगे शामिल। सोहराई पर्व को लेकर गुरुवार की दोपहर करीब 1:30 बजे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, झामुमो सुप्रीमो सुबोध सोरेन और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ चांडिला स्थित धातकी डीह अपने ननिहाल पहुंचे। ग्रामीण महिलाओं ने संथाल समाज के परंपरा अनुसार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन का पांव धोकर स्वागत किया। तत्पश्चात दोनों को जोहार करके अभिवादन किया गया। इसके पीछे पीछे सड़क मार्ग से सीएम की पत्नी कल्पना सोरेन, उनकी मां रूपी सोरेन और अनुज बसंत सोरेन की पत्नी भी गांव पहुंची। यह सभी बुधवार रात को ही चांडिला पहुंच गए थे। सभी चांडिला स्थित होटल बेब इंटरनेशनल में ठहरे थे। मुख्यमंत्री के ननिहाल पहुंचने पर आंगन में उनके बैठने की व्यवस्था की गई थी, जहां उपायुक्त अरवा राजकमल, एसपी आनंद प्रकाश ने उन्होंने क्षेत्र के बारे में जानकारी हासिल की है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री के समक्ष समस्याएं लेकर भी लोग पहुंचने लगे और उन्हें समस्या निवारण के लिए ज्ञापन भी सौंपा गया। झारखंड के 28 लाख युवाओं का नहीं बन पाया आय जाति प्रमाण पत्र। झारखंड के राजस्व कर्मियों की हड़ताल का असर विद्यार्थियों के आय जाति और आवासीय प्रमाण पत्र पर व्यापक तौर पर पड़ा है। राज्य भर में 15 दिनों में ही 5,75,312 नए आवेदन आए हैं, यानी इतने आवेदन और पेंडिंग हो गए हैं। बता दें, 10 अक्टूबर को जहां पेंडिंग आवेदन की संख्या 22,39,209 थी, वहीं 25 अक्टूबर को यह संख्या बढ़कर 28,14,521 हो गई है। इस तरह हर दिन 38,000 से अधिक आवेदन आ रहे हैं। विद्यार्थी नौकरी के लिए अपना सर्टिफिकेट बनवाने में परेशान हैं। पुरानी पेंशन योजना से बढ़ेगा वित्तीय बोझ, मंत्री रामेश्वर उरांव। झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने एक कार्यक्रम में कहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में नई पेंशन योजना लाई गई थी, यह खराब नहीं थी, अच्छी थी। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया है कि केरल में उसके राजस्व का 90% हिस्सा सरकारी कर्मियों के वेतन व पेंशन पर खर्च हो जाता था। इससे राज्य की जनता के लिए कुछ नहीं बचता। राज्य की आमदनी और खर्च की स्थिति को देखते हुए तत्कालीन केंद्र सरकार ने नई पेंशन योजना लागू की है। झारखंड में लोगों की मांग थी कि पुरानी पेंशन योजना लागू हो। हम लोगों ने चुनाव के वक्त वादा किया था, उसे पूरा किया है, पर इस पेंशन योजना का असर अगले 15 साल के बाद दिखेगा। यह तय है कि बोझ काफ़ी होगा। सरकार को देखना होगा कि कैसे इसको पूरा करे। छठ महापर्व के लिए कल से नहाय खाय के साथ शुरू। लोक आस्था के महापर्व छठ 28 अक्टूबर को नहाय खाय से शुरू होगा। इसे लेकर शहर के बाजारों में चहल पहल शुरू हो गई है। स्थानीय दुकानों के साथ ही फुटपाथ पर भी सूप, दौरा, नारियल, फल व पूजन सामग्री बेचे जा रहे हैं। छठ पूजा में शुद्धता व स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है। लोग 1-2 दिन पहले ही खरीदारी करना पसंद करते हैं। बता दें, पूजा के लिए फल, लोहड़ी और पहली अर्ध्य के दिन खरीदते हैं। छठ पूजन में लगने वाली अधिकतर पूजन सामग्री बाहर से मंगाई जाती है, इसलिए दुकानदारों ने पहले से ही तैयारी कर ली थी और आवश्यकता अनुसार स्टॉक बाजार में पहुंचने लगा है। धनबाद में मां काली मूर्ति विसर्जन के दौरान हिंसक झड़प। धनबाद के जोड़ा पोखर सुदाम डीह थाना क्षेत्र के लोगो बाजार ईदगाह मोहल्ला में मां काली की मूर्ति विसर्जन के दौरान धार्मिक नारेबाजी को लेकर दो समुदाय के बीच हिंसक झड़प हो गई। इस हिंसक झड़प में दोनों तरफ से पथराव किया गया। इस पथराव में आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की खबर सुनते ही पुलिस घटनास्थल पहुंची। फिलहाल पथरडी, सुदाम डी, भौरा, जोड़ा पोखर, झरिया, धनबाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति को संभालते हुए, वहीं दोनों पक्ष जीत पर अड़े हुए हैं। बता दें, DSP सिंदरी अभिषेक कुमार, बैंक मोड़ थाना प्रभारी PK सिंह, झरिया इंस्पेक्टर पंकज झा आदि देर रात घटनास्थल पर पहुंचकर दोनों पक्षों को संभालने का प्रयास किया। झारखंड के 65,000 पारा शिक्षकों को बड़ी खुशखबरी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली झारखंड सरकार राज्य के 65,000 पारा शिक्षकों को बड़ी खुशखबरी देने जा रही है। बता दें, किसी पारा शिक्षक के सेवा अवधि के दौरान मृत्यु होने पर उसके आश्रित को उसकी योग्यता के अनुसार अनुकंपा पर नौकरी मिलेगी। यह नौकरी समग्र शिक्षा अभियान के विभिन्न पदों पर ही अनुबंध पर हो सकेगी। इसके लिए सहायक अध्यापक नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली में संशोधन किया जाएगा। स्कूली शिक्षा एवं स्वच्छता विभाग के मंत्री जगन्नाथ महतो ने इसे लेकर प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश पदाधिकारियों को दिए हैं। वर्तमान नियमावली में प्रावधान है कि पारा शिक्षा की मृत्यु होने पर आश्रितों को पारा शिक्षा के पद पर ही अनुकंपा पर नौकरी मिलेगी। इसके लिए उसे पारा शिक्षा की योग्यता रखना अनिवार्य होगा।
शराब दुकान के सेल्समैन पर पेट्रोल डालकर लगाई आग। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर में सरकारी शराब दुकान में विवाद के बाद सेल्समैन को पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई। हालांकि घटना के बाद उसके साथियों ने किसी तरह आग पर काबू पा लिया, जिससे सेल्समैन की जान बच गई है। घटना में उसके हाथ जल गए। जानकारी के अनुसार हजारीबाग के जमीरा गांव निवासी अमित कुमार सिंह नगर के हनुमान मंदिर के सामने लाइसेंसी संख्या C027FLS5 पर बुधवार रात 10:15 के करीब दो युवक शराब खरीदने आए। इस क्रम में वे दोनों किसी बात पर सेल्समैन अमित कुमार सिंह से गाली गलौज करने लगे। उसके बाद युवक समीप के ही पेट्रोल पंप गए और पेट्रोल लेकर आए। वे दोनों वापस शराब दुकान आकर झगड़ने लगे। डायरिया मैनेजमेंट को लेकर स्वास्थ्य विभाग की खुली पोल। स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सीय सुविधा को लेकर लगातार बैठक होती है। सरकार की ओर से दवा और फंड भी मुहैया कराया जा रहा है। इसके बावजूद कई विभागीय पदाधिकारियों की उदासीनता की वजह से जिले में डायरिया का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। दरअसल मुख्यालय के निर्देश पर धनबाद में जुलाई और अगस्त महीने में ही डायरिया मैनेजमेंट की तैयारी को लेकर कई बार बैठक हुई। चिकित्सकों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया, लेकिन प्रशिक्षण लेकर पदाधिकारी और कर्मचारी सब भूल गए। आलम यह हुआ है कि टुंडी और निरसा प्रखंड में डायरिया का प्रकोप चरम पर हो चुका है। अब आनन फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रखी डायरिया से बचाव की दवाइयाँ और ORS के पैकेट लोगों के बीच बांटे जा रहे हैं, जबकि शुरुआती बैठक में स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों के सहयोग से दवा लोगों के बीच बांटने की योजना थी। 2 साल के बच्चे की पेट में निकला 350 स्टोन। जमशेदपुर शहर में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। बता दें 2 साल के एक बच्चे की पेट से 350 से अधिक पत्थर निकाले गए हैं, जिसे देख चिकित्सक भी हैरान हैं। चाकुलिया के कांटाबनी गांव निवासी सुंदर मोहन महतो का 2 वर्षीय पुत्र जयराम महतो जब 9 माह का था, तभी उसके पेट में एक दिन तेज दर्द हुआ। जब स्थानीय डॉक्टर को दिखाया, लेकिन दर्द बढ़ता गया। सौजन गरीबी की वजह से किसी अच्छे डॉक्टर से नहीं दिखा पा रहे थे। इसी बीच सुंदर मोहन महतो को डॉक्टर नागेंद्र सिंह का पता मिला और वह दूसरे दिन ही चले आए। डॉक्टर नागेंद्र सिंह ने उसकी समस्याएं सुनी और भरोसा दिया कि आपके बच्चे के इलाज में पैसा कहीं बाधा नहीं बनेगी। बता दें आपके बच्चे का इलाज भी होगा और वह ठीक कर होकर भी जाएगा। मरीज का अल्ट्रासाउंड कराया गया, जिसमें पथरी होने की पुष्टि हुई है। छठ महापर्व के लिए रांची मंडल ने स्पेशल ट्रेनों का किया ऐलान। दिवाली के बाद छठ को लेकर बिहार जाने वाली ट्रेनों में भीड़ उमड़ी शुरू हो गई है। बिहार झारखंड के लोग अपने घर लौट रहे हैं। स्टेशनों पर बढ़ती भीड़ को देखते हुए रांची रेल मंडल की ओर से छठ स्पेशल ट्रेनों की व्यवस्था की गई है। रांची और हटिया रेलवे स्टेशन पर प्रवासी यात्रियों की भीड़ अब महापर्व को लेकर अपने घरों का रुख करने लगी है। छठ पूजा के महापर्व को लेकर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रांची रेल मंडल भी एक्टिव नजर आ रहा है। खुद सीनियर DCM निशिकांत कुमार यात्री सुविधाओं का जायजा लेने हटिया स्टेशन पहुंचे। उन्होंने बताया कि छठ को लेकर बिहार के लिए 4 स्पेशल ट्रेन शुरू की गई, जबकि दक्षिण से आने वाली एर्नाकुलम हटिया एक्सप्रेस 27 अक्टूबर और 3 नवम्बर को चलाई जा रही है। वहीं रांची आरा एक्सप्रेस को ट्राई वीकली कर दी गई है। खूंटी के बाद अब रांची के ग्राम प्रधान की हत्या। झारखंड में एक बार फिर से किसी जन प्रतिनिधि को निशाना बनाया गया है। बता दें खूंटी के मुरहू के ग्राम प्रधान की हत्या के बाद अब रांची के तमाड़ थाना क्षेत्र में ग्राम प्रधान की हत्या का मामला सामने आया है। यहां भी ग्राम प्रधान की हत्या लाठी डंडे से पीट पीट कर दी गई है। तमाड़ थाना क्षेत्र के लोहड़ी गाँव के ग्राम प्रधान अशोक सिंह की हत्या से इलाके के लोग सकते में हैं। वहीं अब तक हत्या की वजह और हत्या में कौन लोग शामिल है, इसकी कोई जानकारी ठोस तरीके से सामने नहीं आ पाई। बता दें तमाड़ थाना क्षेत्र के लोहड़ी गांव के प्रधान की हत्या अज्ञात अपराधियों द्वारा की गई। ग्राम प्रधान का शव उसके घर से ही 500 मीटर की दूर पर बरामद किया गया। नोटों पर गणेश लक्ष्मी की फोटो लगाने की मांग पर बोले बाबूलाल मरांडी, कभी सफल नहीं होगा आप। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल द्वारा नोट पर गणेश और लक्ष्मी की फोटो लगाने की मांग पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने निशाना साधा है। बाबूलाल मरांडी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर पर कहा है कि कल तक जिसके मंत्री हिंदू धर्म न मानने की शपथ ले रहे थे, जिसके प्रदेश अध्यक्ष मंदिरों को लेकर ओछी बयानबाजी कर रहे थे, आज उसी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल देश के नोटों में
गणेश लक्ष्मी जी की फोटो लगाने की सिफारिश कर रहे हैं। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि आपका ये राजनीतिक षड्यंत्र कभी सफल नहीं होगा। बता दे, बुधवार को दिल्ली में आयोजित एक प्रेस वार्ता में आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से मांग की थी कि नए नोट में लक्ष्मी और गणेश की भी तस्वीर छापी जाए। धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बॉल का बेल आइकन दबाइए। साथ ही साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। साथ ही साथ आप हमें कॉमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक अवश्य दे। थैंक यू।